हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ममता। फ्रेंड्स, आज मैं बेसन का हलवा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसे बनाने में मैंने मात्र 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और कुछ अलग तरीके से इसे बनाया है। आइए देखते हैं ये माउथ वाटरिंग बेसन का हलवा बनाने का तरीका। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसमें 2 चम्मच बारीक सूजी डाली है। सूजी को आप छन्नी से छान कर ले सकते हैं या इसे ग्राइंड करके महीन कर लें। इसे हम मिक्सिंग बाउल में डाल लेते हैं। अब इसमें 1 कप से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 1/4 कप के करीब घर की फ्रेश मलाई डालकर इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इसमें ताजी मलाई का ही यूज करें। मलाई की मात्रा आप थोड़ी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अब इस मिश्रण को आधा घंटा के लिए रेस्ट पर रख दें, जिससे कि बेसन और सूजी थोड़ा फूल जाए। ये मैंने केसर की कुछ पत्तियाँ ली हैं और अब इसमें 2 चम्मच के करीब गरम दूध डालेंगे और इसे मिक्स करके कुछ देर के लिए साइड में रखेंगे। इसे डालने से हलवे का कलर काफ़ी अच्छा आएगा। हमने बेसन में मलाई और सूजी डाली है, इससे बेसन का कलर कुछ लाइट हो गया है, तो केसर डालने से उसका कलर बैलेंस हो जाएगा। आप केसर के स्थान पर येलो फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस मिश्रण को रखे हुए 1/2 घंटा के करीब हो गया है और अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम पर एक कढ़ाई रखी है। 1 चम्मच प्योर घी इसमें डालेंगे। अब घी के गर्म होने पर ये मिश्रण इसमें डालेंगे। फ्लेम को हमने लो कर रखा है और इसे मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर भूनेंगे। गर्मी पाकर मलाई पिघलने लगी है और ये मिश्रण थोड़ा गीला हो गया है। इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भूनेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से बेसन का हलवा बनाने से बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये किस चीज़ का हलवा है। आने वाले फेस्टिवल्स पर आप इसे बनाएं और लोगों की वाहवाही पाएं। इसको इसी तरह से धीमी आंच पर भूनेंगे। फ्रेंड्स, और भी तरह के हलवे बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बेसन को भूनते समय ही 1 बर्तन में 2 कप पानी डालकर उसे बॉईल करने के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे। ये पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और बेसन को इसी तरह से लो फ्लेम पर भूनेंगे। ये देखिए, बेसन को भूनते हुए 20 मिनट का समय हो गया है और अब इसमें से कच्चेपन की खुशबू नहीं आ रही है। और जब बेसन भुनने की बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, तभी हम इसमें पानी और चीनी मिलाएंगे। अभी इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं। पानी में बॉयल आ गया है, उसकी फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। ये देखिए, बेसन का कलर बिल्कुल गोल्डन हो गया है और अब बस इसमें हम पानी मिलाएंगे। ये उबला हुआ पानी इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अब ये केसर वाला दूध भी इसमें डालेंगे और बेसन में उबाल आने पर इसमें 1 कप से कम यानी कि 1/4 कप और 1/2 कप के बीच की चीनी इसमें डालें और इसको मिक्स करें। नाप में हमने 60 ग्राम बेसन लिया था, उससे 1.5 गुनी चीनी यानी कि 90 ग्राम चीनी इसमें डाली है। चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। ये देखिए, चीनी मेल्ट हो गई है और बेसन अब पतला हो गया है। अब इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। थोड़ा इलायची पाउडर इसमें ऐड करें और इसको मिक्स करते हुए चलाएं। इसमें सूजी डालने से ये देखिए बिल्कुल दानेदार हलवा बना है। इसे हमने कितनी आसानी से घर में बना लिया है। बेसन को टोटल हमने 20 मिनट भूना था। घर में मलाई तो हमारे होती ही है, हम घी का यूज़ ना करके इसे मलाई में बना सकते हैं। इससे इसमें थोड़ा मावा का टेस्ट भी आ जाता है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब ये अच्छी तरह से फूल जाए और कढ़ाई छोड़ने लगे, तब फ्लेम को ऑफ करेंगे। ये देखिए, बेसन मलाई हलवा तैयार है। अब कुछ नट्स से इसे गार्निश करेंगे। ये बादाम डालेंगे और थोड़ा पिस्ता की कटिंग इस पर डालेंगे। आप इसे चांदी के बर्क से भी गार्निश कर सकते हैं। इसे आप आने वाले फेस्टिवल्स पर जरूर ट्राई करें। कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करें। रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। बाय बाय।